Hello learners, welcome to my YouTube channel Ruchika Education Hub. Student, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग. मेथड्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोड मींस वे. मेथड जो है हमारा लैटिन वर्ड मोड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वे. वे मींस रास्ता. द टर्म टीचिंग मेथड रेफर टू द जनरल प्रिंसिपल्स pedagogy and management strategies used for classroom instruction. Basically method क्या है कि classroom में जब teacher जाता है, जो अपने teach करता है, वो कौन से principles को use करता है, कैसे pedagogy use करेगा, कैसे class में management strategies means class को कैसे manage करेगा, उसके लिए कौन कौन से strategies use करेगा, वो मिलकर क्या बनाता है, हमारे teaching method का बनाता है. और teaching method किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि टीचिंग कर रहा है टीचर, तो स्टूडेंट की लर्निंग को इफेक्टिव, स्टूडेंट की लर्निंग को क्या है, इफेक्टिव बनाने के लिए या उनकी लर्निंग को मॉडिफाई करने के लिए जो है वो बेसिकली मेथड्स का यूज करते हैं. ठीक है. इफ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न. ठीक है. कहते हैं अगर कोई बच्चा जो है जिस मैथड से हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं सीख पा रहा है, तो कहते हैं हमें उस मैथड से पढ़ाना चाहिए जिससे वो सीख सकता है. ठीक है. वी शुड टीच द वे दे लर्न, कहते हैं उसी मेथड से पढ़ाना है जैसे वो सीख सकता है. राइट. मेथड्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले है टीचर सेंटर मेथड, दूसरा है लर्नर सेंटर मेथड एंड थर्ड है हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजीज. ठीक है. मींस टीचर सेंटर स्ट्रेटजीज जो है वो लार्ज ग्रुप मेथड्स होते हैं, इसमें जैसे कि आता है लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग, वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन. जो मिक्स स्ट्रेटजीज हैं उसमें आएगा स्मॉल ग्रुप मेथड्स, ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा जिसमें सेमिनार्स हो गए, पैनल डिस्कशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड्स यूज करते हो आप, ट्यूटोरियल्स यूज कर रहे हो, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा. और जो स्टूडेंट सेंटर है वो इंडिविजुअलाइज मेथड, जिसमें आप इंडिविजुअल पर जो है फोकस करके जो है आप पढ़ा रहे हैं. ठीक है. उसमें ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, असाइनमेंट्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा, केस स्टडी आ जाएगी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, CAI आ जाएगा, PSI आ जाएगा, इंटरेक्टिव वीडियोस आ जाएंगी, ओपन लर्निंग आ जाएगी, ह्यूरिस्टिक मेथड्स आ जाएंगे. ठीक है. सबसे पहले हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को पढ़ेंगे, इसमें हम लेक्चर मेथड, टीवी प्रेजेंटेशन और टीम टीचिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच. टीचर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स जिसमें बेसिकली क्या है, टीचर जो है वो सेंटर में रहेगा, मींस टीचर के अकॉर्डिंग जो है सारी की सारी जो एजुकेशन जो है बच्चे को वो मिलेगी, कि क्लासरूम में क्या काम होगा, कौन कैसे करिकुलम होगा, ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा, टीचर के अकॉर्डिंग होगा. ये सारा का सारा कौन डिसाइड करता है, टीचर. तो उसके सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड. ठीक है. ये तो बहुत ही कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव मेथड है टीचिंग का. ठीक है. जिसको हम किसी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए हार्डली कोई साइंटिफिक अप्रेटिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लेक्चर देना है सिर्फ आपको खड़े होना है, बोलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उस कंटेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. आपको ज्यादा मटेरियल जरूरत है तो क्या ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ बताना है, उनको लिखना है. ठीक है. फिर लेक्चर मेथड जिसमें कंप्लीट कंट्रोल जो होता है किसका होता है, टीचर का होता है. वो पूरी की पूरी बेसिकली मेथड जो इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, जिसमें टीचर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक इजिली पहुंचा पाता है. ठीक है. अब कोई और मेथड लोगे इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बच्चों तक जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इस जो लेक्चर मेथड है वो बहुत ही कन्वीनियंट है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सके. हाँ, बच्चे इसमें थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको काम सिर्फ सुनना होता है और समटाइम जो जो भी टीचर लिखवा रहा है उसको नोट डाउन करना होता है. ठीक है. एडवांटेजेस है इसके कि इकोनॉमिकल मेथड है, इसमें जो बच्चों में कंसंट्रेशन की हैबिट जो बढ़ती है, मीन बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि टीचर क्या कह रहा है. ठीक है. इसमें बच्चे एक अच्छा ऑडियंस बन के निकल सकता है. ठीक है. कि उसको श्रोता जिसको कहते हैं. थ्रू दिस मैथड न्यू सब्जेक्ट मैटर कैन ईजिली भी इंट्रोड्यूस. ठीक है. कि लेक्चर मैथड के थ्रू हम नए सब्जेक्ट को जो है वो ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके डिसएडवांटेज ये है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच ज्यादा है, बच्चों के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है इसके अंदर. ठीक है. स्टूडेंट जो है पैसिव रोल प्ले करता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इतना ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जाता है. नेक्स्ट है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन. अब देखो टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन तो वो भी वन वे ही दे है. ठीक है. क्योंकि टीवी बोल रहा है, वीडियो चल रही है तो वो भी चल रही है, बोल रहा है, वही प्रधान है वहां पे. ठीक है. बच्चा जो है उसमें फिर वही है कि वो पैसिव लिसनर होगा,
वो सिर्फ सुन सकता है, चीज़ों को नोट डाउन कर सकता है, लेकिन उसमें भी वो एक्टिव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कितनी यूजफुल है अडल्ट लर्नर्स के लिए, और जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आप उन तक ये प्रेजेंटेशन जो है वो इजिली पहुँचा सकते हो। हाँ, इसमें लेस पॉसिबिलिटी होती है टू वे कम्युनिकेशन की, क्योंकि क्या है, टीवी वीडियो बोल रहा है तो आप उस पर इंटरेक्शन तो आप कर नहीं सकते हो, बस वही बोलेगा, तो टू वे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारी टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के तो इन्वॉल्व करती है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग पर्पसली। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर हैं वो किसी पर्पस के लिए साथ में आए हैं, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनी एज। ठीक है, कि वो क्या है, कहते वो साथ में क्यों आए हैं, कि स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, तो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे, कहते हैं किसके लिए, हेल्प करने के लिए। टीचर टुगेदर सेट गोल्स ऑफ अ कोर्स, गोल भी वो डिसाइड करते हैं, सिलेबस भी वही डिसाइड करेंगे, किसे लेसन, किसी इंडिविजुअल के अगर लेसन में प्रिपेयर कर रहे हैं वो पढ़ाने के लिए, तो वो भी खुद ही करेंगे, वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उनको इवेल्युएट भी वही करेंगे। तो भी क्या है, मीन्स जो टीचर का रोल है वही ज़्यादा है, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें भी जो है वो कम ही रहती है, इसलिए इसको टीचर सेंटर अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, इसका फायदा ये है कि बहुत सारे अच्छे टीचर की जो फैकल्टी है वो बच्चों को पढ़ा पाती है, टीचिंग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, जब चार पाँच टीचर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करेगा। डिसएडवांटेजेस है कि आप सारे टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और इसकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एवेल्युएशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की जो है हमें वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर मैथड। लर्नर सेंटर मैथड जिसमें जो है हमारा लर्नर जो है, लर्नर मीन्स जो हमारा स्टूडेंट है वो किस पर रहेगा, प्राइमरी पोजिशन पर रहता है। लर्नर के अकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो डिसाइड होती है, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिया जा सके, इसी चीज़ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट्स क्या है, बेसिकली क्या, टीचर एक एक्टिविटी बच्चों को करने को दे देता है, कुछ ना कुछ काम जो है लिखने को देता है, कि जैसे मान लो कोई टॉपिक दे दिया उसको, उसके ऊपर उसने असाइनमेंट बना के लानी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो लर्नर है वो ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगा, सेल्फ लर्निंग की हैबिट उसमें इनकलकेट होगी, राइटिंग स्किल उसकी बढ़ती है, और कहते किस रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है उसको, वो उसको आ जाता है। ठीक है, इसमें जो बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर, हाँ टीचर का रोल है इसमें, लेकिन वो क्या है, असाइनमेंट देने के बाद जो वो बैकफुट पे आ जाता है, वो सेकेंडरी पोजिशन पे आ जाता है, और स्टूडेंट को प्राइमरी पोजिशन पे जा जाता है, क्योंकि सारा काम जो है वो स्टूडेंट ने ही करना है, इससे स्टूडेंट की क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे केस स्टडी मैथड है हमारे पास। केस स्टडी मैथड में क्या है, बेसिकली क्या होता है, ये एक इनडेप्थ स्टडी होती है, इसमें क्या करेगा, टीचर एक सिचुएशन दे देगा, एक सिनेरियो बना के दे देगा बच्चों को, अब उस सिनेरियो को वो सिर्फ बना के क्रिएट करके छोड़ देगा, जैसे मान लो कोई एक सीन क्रिएट करके छोड़ दिया टीचर ने, अब टीचर जो है वो बैकफुट पे है, प्राइमरी पोजिशन पे नहीं है, वो बैठ गया आराम से, अब बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी इवैल्यूएशन करनी है, एनालाइज करना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारा का सारा काम किस पर आ जाएगा, अब स्टूडेंट का आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या, लर्नर को सेंटर में रख के जो है वो बच्चे से काम करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ह्यूरिस्टिक मैथड। ह्यूरिस्टिक मैथड जो है वो दिया था हमें आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, उनका मेन मकसद था इस देने का कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को जो है हमने वो बढ़ावा देना है, बच्चों के अंदर इंक्वायरी की भावना, कि वो खुद इंक्वायरी कर सके। ठीक है, जैसे लेक्चर मैथड की टीचर दे रही है सारी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे खुद इंक्वायरी कर सकें, खुद चीज़ों को ढूंढें। ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे होगी, क्या ट्रूथ है, क्या फाउंडेशन थी, कैसे ये चीज़ हुई है, उसके अंदर ये साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए जो ये मैथड जो है वो सबसे बेस्ट मैथड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड जो है कहते हैं बिल्कुल न्यू मैथड है ऑफ टीचिंग विच फीचर केयरफुली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट। वन ऑफ इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवोकेट बाय B.F. स्किनर ने दिया था हमें ये। ठीक है, इन एन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम द सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर को हम एक स्मॉल टुकड़ों में जो है वो हम इंफॉर्मेशन में बांट देते हैं, अरेंज इन अ सीरीज ऑफ सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, उनको ईजी सिंपल स्टेटमेंट्स में हम उनको बना देंगे। ठीक है, द स्टेटमेंट बिल्ड ऑन ईच अदर सो दैट इवन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन में बी प्रोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि उसमें से क्या बना के देना, कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बनाकर हमें देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है मींस बेसिकली कि जो लर्नर को हेल्प करता है टू टेक कंट्रोल ऑफ एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, कैसे वो अपनी लर्निंग को कंट्रोल करेंगे और उसमें इन्हांसमेंट करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज पेस टेक्निक है टीचिंग लर्निंग की। ठीक है, कि पर्सनलाइज सिस्टम है, इट यूज अ फ्यू लेक्चर टू स्टिमुलेट एंड मोटिवेट स्टूडेंट के। तो कुछ लेक्चर लगते हैं आपको बच्चे को स्टिमुलेट करने में, मोटिवेट करने में पढ़ने के लिए, कि वो कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है अपने पेस के अकॉर्डिंग। इट यूज प्रिंटेड स्टडी गाइड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल जो है आप बच्चों को देते हो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आप अपने बच्चों को कैसे मटेरियल दोगे, प्रिंटेड मटेरियल जो है वो उनको एज अ गाइड जो आप प्रोवाइड करवा देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग में ये क्या है, बेसिकली आप बच्चों को ओपन सिचुएशंस में छोड़ देते हो। जैसे मान लो कि हम जैसे यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने क्लास बना दी है, मैं उसको ऑन एयर करके छोड़ दूंगी, अब आपकी मर्जी, आप जब मर्जी चाहे उसको देख सकते हैं, जब आपका टाइम है, जब आपका पेस है, आप असेस कर सकते हो, तब आप जो है कहते हैं उस लर्निंग कर सकते हो। तो ये भी क्या है, ओपन लर्निंग है, मीन्स आप जब चाहो अपने आप उस स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा मिक्स मैथड। मिक्स मैथड जिसमें जो है टीचर स्टूडेंट के जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो रहती है। ठीक है, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, प्रोजेक्ट मैथड हो गया, कि आप बच्चों क्या दे रहे हो, कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो, बच्चे को प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिया है, और ये नहीं कि कम्प्लीटली उस पर छोड़ दिया तू ही बना के लिया। ये जब वो प्रोजेक्ट कर रहा है तो टीचर भी उसमें बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देता रहता कि बेटा ये चीज़ सही हो रही है, गलत हो रही है, उसको बीच बीच में मीन्स वो एज अ गाइड जो है वो काम करता रहता है, वो इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो प्रोजेक्ट वो कम्प्लीट करते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन में आपने देखा होगा बीएड में हमें पढ़ाया जाता है सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेशन मीन्स जिसमें आप रोल प्ले कर रहे हो, टीचर का भी स्टूडेंट का भी मिक्स है, मीन्स सब इन्वॉल्वमेंट के साथ काम हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन में जब आप कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हो, ठीक है, तो मीन्स जैसे मान लो क्लासरूम में आप अर्थ पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अर्थ का मॉडल लेके आए हो, आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दोगे उसकी, तो आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कराओगे ना। इस तो ना कैसा आप ले आए, आप खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, बच्चों को कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप बच्चों उसमें क्या करते हो, इन्वॉल्व करते हो, बच्चों को भी बुलाओगे, उनको दिखाओगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, तो वो तुम्हारी डेमोन्स्ट्रेशन की आप प्रॉपर डेमो देके वो चीज़ करा रहे हो। जैसे मान लो आपने मिट्टी के प्रकार प्रभाव है ना, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, आप डिफरेंट प्रकार की मिट्टी लाए तो उनको बच्चों को दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बच्चे उसको इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। ठीक है, ये आते हैं हमारे मिक्स मैथड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने मैथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। Thank you and have a nice day.